जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से बचाव पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जनपद में बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर कोविड की टेस्टिंग की जा रही है तथा वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है, जिससे सभी जनपदवासियों को टीका लग जाए। उन्होंने कहा, शासन के द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जो निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, शासन ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया है, जिसका सभी लोग पालन करें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से मास्क लगाकर बाहर निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर किस तरह सावधानी बरती नहीं, सभी रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे नियमित रूप से जो आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है और हमारी कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, हमारी सैम्पलिंग की स्ट्रेटजी काम कर रही है। वैक्सीनेशन की गति भी निरंतर बढ़ाई जा रही है और कोशिश ये है कि सभी का टीकाकरण लग जाए। जो शासन के निर्देश मिले हैं कोरोना के संबंध में उसका 100% पालन करने के लिए सभी को निर्देशित भी किया गया, उसका अनुश्रवण भी किया जा रहा है। सभी से अपील ये भी है कि सावधानी बरते रहें और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन करने के लिए प्रयास करें। सर, रात्रि कर्फ्यू भी लगाइए शासन के द्वारा? हाँ, तो शासन के निर्देशानुसार जमावड़ा के लिए निर्धारित मानक निर्धारित किए गए हैं और नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है। उसका मैं सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि 100% उसका पालन करने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।